सच, साहस, सरोकार। पीएम मोदी ने स्मृति वन स्मारक का किया उद्घाटन, सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दो दिवसीय त्रिपुरा दौरा, विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। गुलाम नबी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज, पार्टी अध्यक्ष के चुनाव पर होगी चर्चा। सोनारी फोगाट मामले में गोवा पुलिस का एक्शन, ड्रग तस्कर रामा मांगडेकर को किया गिरफ्तार। राहुल द्रविड़ का कोविड-19 टेस्ट निगेटिव आया, पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले जुड़ेंगे टीम के साथ। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मथुरा में यूपी सरकार के तीन मंत्रियों का दल पहुंचा, जहां पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार हो रहा है, प्रदेश में ओवरलोडिंग और डग्गेमार वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कार्रवाई ना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ओवरलोडिंग बहुत कंट्रोल किया गया है, अब जो है जहां से ओवरलोडिंग होती है वहां पर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 0 पॉइंट से ही ओवरलोडिंग को बंद किया जाए, कोई भी ओवरलोडिंग सामान उनको न दिया जाए। और जब पकड़े जाते हैं उनके जो चालान होते हैं तो वहां से कार्रवाई होती है जहां से वो शुरुआत किए रहते हैं। तो अभी क्या है, उत्तर प्रदेश में ओवरलोडिंग लगभग मैंने समाप्त है, केवल जो हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान से जो बॉर्डर पर गाड़ियां आ रही हैं उस पर भी हमने सख्ती किया है, जो तिरपाल लगा करके उसके अंदर ओवरलोडिंग करके ले जाते हैं, मैंने कल पकड़ा था, उसके लिए भी हमने सख्ती किया है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर विकास भवन सभागार में जनप्रतिनिधि गणों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें शासन द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके बाद एके शर्मा ने सभी अधिकारियों को जनता तक इन योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रेरित किया, साथ ही बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और नगर विकास भवन विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जनपद के नोडल अधिकारी, सचिव समेत कई संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सूचना के अनुसार मंत्री समूह अलग अलग मंडलों में समीक्षा के लिए और वहाँ की जमीनी परिस्थितियों को जानने के लिए, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए जा रहा है। उसी व्यवस्था के तहत हमारा तीन मंत्रियों का मंत्री समूह, जिसमें मैं हूँ, दूसरे माननीय धर्मवीर प्रजापति जी हैं और माननीय प्रतिभा शुक्ला जी हैं, हम तीन मंत्रियों का समूह बरेली मंडल की मुलाकात के लिए निकला हुआ है। खबर यूपी के गोंडा जिले से है, जहां एक बुजुर्ग के जिंदा होने के बाद भी पेंशन बंद होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बुजुर्ग अज्ञात कारणों से कागजों में मृत घोषित कर दिए गए हैं, जिसके चलते उनको हर महीने मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन मिलनी बंद हो गई है। इस पर सीडीओ ने मामले की जाँच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। हमारा नाम जगदीश है और हमारा उम्र 70 साल का है और 1 साल हो गया पेंशन हमारा कट गया। हम बहुत परेशान हैं, भाग दौड़ करने लगे, अधिकारियों के पास दौड़ने लगे तो ये पता लगा कि मृत्यु घोषित कर रखा है, जबकि हम जिंदे बैठे हुए हैं, मृत्यु घोषित कर दिया गया है। अधिकारियों के पास गए, वो बोले कि कोई बात नहीं है, आपको आपका काम हो जाएगा, पेंशन मिलेगा आपको। अभी तक कोई पेंशन नहीं मिला जबकि हम जिंदे बैठे हुए हैं। महीने में 1 साल हो गया पूरा, हमें पेंशन नहीं मिला,
और हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। दो मामले अभी संज्ञान में जो कही आए हैं, तो एक जो है 70 वर्ष के बुजुर्ग हैं और एक 92 वर्ष के बुजुर्ग हैं, दोनों के मामले संज्ञान में आए हैं कि उनके जो है अभिलेख में उनको पेंशन नहीं प्राप्त हो रही है, ऑनलाइन जो है उनको मृतक दिखाया जा रहा है। इसकी जांच हमारे द्वारा कराई जा रही है, इनकी पेंशन जो है तत्काल प्रभाव से जो है प्रभावी की जाएगी और ताकि उनको पेंशन मिल सके। और जो भी कर्मचारी इसके लिए उत्तरदायी हैं, अगर किसी प्रकार की फीडिंग में एरर हुई है या कोई भी एरर हुआ है, उसके प्रति उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। औरैया में थाना दिवस का आयोजन किया गया। मौके पर सीओ महेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे। इस दौरान थाना अध्यक्ष रामसराय पटेल, उप निरीक्षकों के अलावा बड़ी संख्या में राजस्व टीम मौजूद रही। तो वहीं फरियादियों ने अपनी प्रार्थना पत्र देकर शिकायतें की, जिस पर सीओ महेंद्र प्रताप सिंह ने राजस्व टीम को तुरंत मौके पर पहुंचने को कहा, जिसमें कुल 7 शिकायतों में से 4 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। खबर औरैया से है, जहां डिग्री कॉलेज के प्रबंधक, उनकी पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आत्महत्या की पुष्टि की है। वहीं एसपी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम और पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के मुताबिक कॉलेज प्रबंधक ने पहले अपनी पत्नी और पुत्र की गोली मारकर हत्या की और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुबह 6:30 बजे परिवार के माध्यम से मेरे पास सूचना आई कि इस तरीके का ये घटनाक्रम करने हुआ। इसमें संदीप जी हमारी पत्नी है, चाची श्री मीरा पोरवाल जी, और मेरा चचेरा भाई शिवम पोरवाल, उम्र लगभग 26 वर्ष, परिवार के 3 सदस्य निर्गत हो गए। क्या निर्णय लिया, क्यों निर्णय लिया, क्या बात हुई, क्या ऐसी दिक्कत थी, कोई पता नहीं। साफ साफ कहानी है। आप लोगों को सर परिवार के सदस्य हैं, क्या जानकारी मिली? हम सबसे बड़े हैं, हम पूरे घर के गार्जियन हैं, हमको हर चीज़ पता रहती है, लेकिन इस घटना में कुछ भी नहीं बताया गया और सब काम ऐसे कर लिया गया उनका, इसलिए कुछ कह नहीं। क्या लोगों का सर घटना हुई? सर घटना में एक हमारा भाई है, एक उसकी वाइफ है, एक उसका लड़का है, 3 लोग खत्म हुए। ये कितने बजे की सर घटना है, कुछ जानकारी? कोई पता नहीं सर, कोई पता नहीं। कल दिनांक 25/8/2022 को जरिए दूरभाष एक सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रकाशचंद महाविद्यालय काकोर थाना दिव्यापुर अंतर्गत इनके प्रबंधक श्री संदीप पोरवाल ने अपनी .32 बोर लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने बड़े पुत्र शिवम पोरवाल और अपनी धर्मपत्नी श्री मीरा पोरवाल की हत्या कर दी है और उसके बाद उन्होंने स्वयं आत्महत्या कर ली है। घटना थाना कोतवाली क्षेत्र में निझाई चौकी के गुरहाई मोहल्ला की है, जहां मृतक अपने परिवार एवं अपने स्वर्गीय भाई प्रकाशचंद पोरवाल के परिवार के साथ अपने पुश्तैनी 3 मंजिला मकान में रहते थे। लखीमपुर खीरी में थाना निरीक्षक पंकज त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। 2 लीको डोडा के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। चेकिंग के दौरान अवैध डोडा पाउड के साथ दोनों अभियुक्तों पर NDPCS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये मामला लखीमपुर के खीरी थाना क्षेत्र का है। लखनऊ में DCP पूर्वी लेडी सिंगम IPS प्राची सिंह की सक्रियता के चलते विभूतिकंठ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फर्जी दस्तावेज लगाकर लोन कराने वाले गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार हो गए हैं। दरअसल ये लोग कोरोना काल में मृत व्यक्तियों के कूट रचित दस्तावेज बनाकर लोन कराते थे और लोन के लिए मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड और पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। अभी तक 8 मोबाइल फोन, पैन कार्ड और आधार कार्ड समेत कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। थाना विभूति खंड अंतर्गत एक HDFC बैंक के प्रबंधक अतुल भारती, उन्होंने तहरीर दी कि एक आदमी है जिसने कुछ कूट रचित दस्तावेज लगा के लोन अप्रूव कराया है।
इसमें 570/22 मुकदमा संख्या अपराध दर्ज हुआ थाने में और इसमें दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनका नाम रिगांग सहाय और विषय भारती है, जिसमें से एक वांछित भी है। अभी इसकी पूरी कहानी यह है कि ये आदमी कई इंश्योरेंस कंपनीज में दलाल का काम करता था और वहां से जो लोग कोरोना में मर चुके हैं उनकी डिटेल लेके कूट रचित तरीके से आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाता था और उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करता था। इसने अभी तक 23-24 बैंक से लोन लिए हुए हैं जो कि इसको अप्रूव हुए हैं और जिसका अमाउंट करोड़ों में है। इसके पास से कई मोबाइल फोन, कई कूट रचित पैन कार्ड, आधार कार्ड और चेकबुक पासबुक बरामद हुई है। इसमें जो एक इसका अभियुक्त और है उसके लिए टीम लगाई गई है, जल्द ही जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। खबर संभल से है जहां पर अज्ञात कैंटर चालक को तमंचा दिखाकर लूट किया गया। वहीं सूरज सिंह की तहरीर पर इस संबंध में थाना बनिया ठेर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित की थी। पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से दो अवैध चाकू और गाड़ी बरामद किए गए हैं। थाना बनिया ठेर के अंतर्गत 16 अगस्त के दिन एक व्यक्ति के द्वारा आकर यह सूचना दी गई कि वो अपना आयशर कैंटर जो आलू से लदा हुआ था उसको लेकर जा रहा था। रास्ते में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसके ट्रक के आगे बुलेरो गाड़ी लगाकर उसको किडनैप किया गया और उसके ट्रक को लूट कर ले गए। पुलिस के द्वारा उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके लिए लगातार कुछ टीमें लगाकर वर्कआउट करने की कोशिश की जा रही थी। आज इसमें चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये एक अंतर जनपदीय गिरोह है जिसमें छत्रपाल थाना हसनपुर जिला अमरोहा, गालिब थाना कोतवाली संभल, अजय थाना हसनपुर, संदीप थाना आदमपुर जिला अमरोहा, इन चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लूटा गया आयशर कैंटर, उसके साथ में जो लूट में प्रयोग की गई एक बुलेरो गाड़ी, 2 12 बोर के तमंचे और 4 जिंदा कारतूस, 2 अदद चाकू, ये सामग्री बरामद की गई है। इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने आलू एक आढ़तीय के पास बेचा है और उसके बाद में उसका जो पैसा मिला था उसको आपस में बांट लिया है। उन 3 अन्य अभियुक्त के नाम भी इसमें प्रकाश में आए हैं, उनकी भी भूमिका की जांच करते हुए उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। संभल में पुलिस ने जुआ खेलते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 1,25,000 रुपए, 3 कार और 12 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुलासा किया है। थाना बनिया ठेर के अंतर्गत कई दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी, कुछ लोग वहां के एक गांव ढकनगला में इकट्ठे होकर और बड़े स्तर पर जुआ खेल रहे हैं। पुलिस के द्वारा एक दो बार प्रयास किया गया लेकिन ये लोग पुलिस को देखकर भाग जाते थे। कल पूरी योजना बनाकर पुलिस के द्वारा विभिन्न टीमें लगाते हुए चारों तरफ से इनकी घेराबंदी की गई और उसके पश्चात इसमें से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो विभिन्न थानों के रहने वाले हैं। इनके पास से 1,02,500 रुपये, 4 मोबाइल, 6 ताश की गद्दी, 12 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और 3 फोर व्हीलर बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ आरोपी भागने में सफल रहे, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा। सिद्धार्थनगर में बायोमेडिकल बेस्ट प्लांट लगाए जाने के संबंध में विधायक, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में जन सुनवाई कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक सैयदा खातून ने कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट लगाने से ग्राम बभनी में विकास की गति तेज हो जाएगी। विधायक ने इसके लिए प्रशासन के लोगों के लिए आभार व्यक्त किया। ये बेसिकली बायो वेस्ट के डिस्पोजल के लिए प्लांट लगाया जाना है जिसके EIA जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है उसके लिए यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी। इसमें लोगों को सुनना होता है, जिनके स्टेक होते हैं, जिनके आसपास के खेत होते हैं, जो गांव होता है उन्हें सुनना होता है कि उन्हें किस तरह की समस्या है, अगर उनके मन में कोई शंका है, कोई समाधान हो उसका समाधान कराया जाए। तो इसी क्रम में जो है ये बैठक कराई गई थी जिसमें बबनी गाँव के लोग तथा आसपास के कुछ लोग गाँव के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। इसमें तमाम जो इसमें जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के हमारे ऑफिसर्स हैं, जो प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट है, सभी ने पार्टिसिपेट किया। कानपुर में कॉल सेंटर और बीसी संचालक को गोली मारकर 5 लाख की लूट की गई। फ्लैट के नीचे कॉल सेंटर और बीसी संचालक को गोली मारकर 5 लाख की नकदी लूट की गई। फायर की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने उन्हें सिविल लाइन स्थित नर्सिंग होम में भर्ती कराया। घायल की पत्नी का आरोप है कि रिश्तेदार के बेटे ने साथियों की मदद से घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच।